हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बी एस मास्टर 5 इंग्लिश कंपलसरी वीडियो सीरीज़ दे विच तुहाडा स्वागत है। अज आप कवर करांगे राइना पेटकॉफ का करैक्टर स्कैच, जिहड़ा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया सीगा। सो वीडियो स्टार्ट करने तो पहला दोस्तों एक गल साझी करना चाहवांगी कि अगर तुहानू मेरे चैनल पर कुछ भी नवं सीखने मिलता है, तुहाडी हैल्प हुंदी है, तो चैनल नू दब के शेयर करया करो ताकि कोई भी नीडी परसन है उस तक मेरी वीडियो पहुँचती होवे, अते नाल ही मैनू भी मोटिवेशन मिले, तो ही मैं तुहाडे लई नवें नवें वीडियोज़ लैके आउंदी रहांगी। BSM 1, 3 अते 5 का काफ़ी सारा कंटेंट मेरे चैनल पर अवेलेबल आ। इस तो इलावा मैं अपने चैनल के उत्ते इंपोर्टेंट क्वेश्चन की भी वीडियो सीरीज़ जल्दी ही लैके आवांगी, अते पुराने जिहड़े पेपर ने वह भी मैं तुहानू कवर करवावांगी। 1 by 1 जिहड़ी है वीडियो अपलोड होंदी जाऊगी। सो जिन्ना तुसीं चैनल नू शेयर करोगे अते जिन्ना तुसीं कॉमेंट करोगे, लाइक करोगे, उन्ना ही मैं जल्दी जल्दी वीडियोज़ पावांगी। सो स्टार्ट करते हाँ अज का वीडियो। राइना पेटकॉफ, जिहड़ी राइना पेटकॉफ सी ओ हीरोइन है अपने जिहड़ी प्ले आपां कर रहे हां GB शाह दा लिखिया होया। आपां ने पिछे भी क्वेश्चन च पढ़िया सी आर्म्स एंड द मैन प्ले आपां स्टार्ट किया हुआ, तो ये जिहड़ा है राइना पेटकॉफ एक इंपोर्टेंट करैक्टर आ, क्योंकि सारी स्टोरी ये इर्द गिर्द घूमती आ। तीन ही जिहड़ियां फीमेल्स ने आपां नूं सामने देखण नूं आईआं, एक तो राइना पेटकॉफ है, एक उहदी मदर कैथरीन है, अते एक जिहड़ी है लूका जिहड़ी कि उहनां दी मेड है। सो कोई ज़्यादा करैक्टर नहीं हैगे इस प्ले दे विच। सो कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिथे राइना पेटकॉफ या फिर राइना दे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो वो राइना का करैक्टर स्कैच ही होगा। सिर्फ तुसी क्वेश्चन नू पढ़ो कि ये मेन जिहड़ा है की टर्म की आ रहा है। सो क्योंकि मोल्ड करके क्वेश्चन दिंदे तो राइना पेटकॉफ अगर आ गया तो इट मीनस आपां ने करैक्टर स्कैच अटैम्प्ट करना है। 2.5 pages का आपां ने अटैम्प्ट करना है। सो राइना पेटकॉफ इज़ द हीरोइन ऑफ द प्ले। हीरोइन है प्ले दी आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन, आर्म्स मैंने पहला भी दस्या थी, हथियार अते इंसान। शी इज़ द डॉटर ऑफ मेजर पेटकॉफ। तो मेजर पेटकॉफ की जिहड़ी है डॉटर है, शी इज़ यंग एंड अट्रैक्टिव। ओह नौजवान है अते अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक है। मैनी इंसीडेंट्स ऑफ द प्ले रिवॉल्व अराउंड हर। सारे आप देखिए तकरीबन ऑलमोस्ट काफ़ी सारे जिहड़े इंसीडेंट ने उहदे आले दुआले घूमते रहिंदे ने। शी हैज़ अ गुड फिजिकल चार्म। उहदे कोल फिजिकल चार्म बहुत अच्छा, मतलब शरीरक दिख अच्छी है, पर वो इन्नी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं जिन्नी उसकी मेड ब्यूटीफुल है। ठीक है, तो ब्यूटीफुल आपां इत्थे लाइन नहीं लिखनी, आपां सिर्फ अट्रैक्टिव लिखनी है, चार्मिंग लिखना है, आपां ब्यूटीफुल नहीं लिखना, ब्यूटीफुल लुक है। ओके, सो शी वियर्स मेकअप ऑन हर फेस। तो अपने फेस के उत्ते उसने मेकअप किया हुआ है। जो अपना देखते हैं कि एक्ट स्टार्ट होंगे तो बालकनी दे विच जिहड़ी है खड़ी हुई होंगी है, यादा च खोई होंगी है, नेचर नूं निहार ही होंगी है ना। सो अपने सीन जिहड़ा सीगा डिस्कस किया सी। सो उन्हें फेस दे उत्ते जिहड़ा मेकअप किया होया है। शी हैज़ गुड ड्रैसिंग सेंस, मतलब बहुत ही अच्छे सोहने कपड़े पाए हुए हैं। सोहने कपड़े पाउण दा एक होर भी रीज़न है कि वह मेजर की धी हुंदी है, तो इकलौती धी हुंदी है, अमीर फैमिली हुंदी है ना। सो इकलौती संतान होण करके सारे चाओ दे पूरे किते हुंदे ने। शी वीयर्स लेटेस्ट फैशनेबल क्लोथ। सो लेटेस्ट फैशनेबल क्लोथ वो पाँदी है, नवे नवे ढंग के कपड़े जिहड़े भी फैशन आउंदे है ना, तो बहुत अच्छे नाल तैयार होकर रहती है। ईवन घरे भी वो बहुत अच्छा तैयार होकर रहती है। शी इज़ नेचर लवर। हुणे कह के हटी हाँ कि वह नेचर लवर सी, क्यों? क्योंकि वह जिहड़ी हैगी है उहदे विच खड़ी हुंदी है बालकनी दे विच, तो एक नेचर लवर वी है। सो इमैच्योरिटी, हुण देखो आपने उपर पढ़िया सीगा कि इंट्रोडक्शन, आपने पॉइंट्स करांगे तो ज़्यादा मार्क्स अपने गेन होणगे। तो इंट्रोडक्शन दे विच आपने लिखिया भी किद्दां उहदे स्टोरी आले दुआले घूमदी आ है ना, अट्रैक्टिव सी, कल्ली धी सी, मेकअप वीयर करके रखती सी, अच्छी फैशनेबल सेंस सी, क्योंकि इहदे पॉइंट जिहड़े ना इहना एक एक लाइना दे पॉइंट नहीं बनदे। सो तां करके मैं एक पैरे च इसनूं जिहड़ा हैगा क्लासीफाई करता। उस तो अगे इमेच्योरिटी, इमेच्योरिटी मतलब मेच्योर नहीं हैगी, नादान जी है ना, बचपन है वो अंदर। राइना इज़ नॉट अ मेच्योर गर्ल। राइना शो तो करती है कि मैं मेच्योर गर्ल हाँ, लेकिन मेच्योर गर्ल नहीं आ। शी इज़ इमेच्योर, वो इमेच्योर है फिजिकली एंड मैंटली। फिजिकली भी वह छोटी है, ठीक है, उसकी एज जिहड़ी है काफ़ी घट है, तो मैंटली भी क्योंकि छोटी उम्र की है तो ओबियसली मैंटली भी वो इमेच्योर है। शी कैन बी चीटेड बाय एनीबडीज। तो मतलब किसी द्वारा भी वो चीट की जा सकती है, मतलब इन्ना बचपन है वो अंदर। सर्जियस बी फूल्स हर फॉर फाल्स लव। हूँ जो सर्जियस है उसनों बी फूल्स हों मूर्ख बना झूठे लव दे करके, जबकि वह लूका दे नाल भी फ्लर्ट करता रहा है। सर्जियस सीक्रेटली लव्स द मेड
सर्वेंट लुका, तो जो सर्जियस है जो लवर है वह सीक्रेटली चुप चुपीते उन्हों की जी मेड हैगी है, क्योंकि वह सुंदर होंगी है। मैं हमने दस के हटी हाँ कि ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव भी वह बहुत है, ब्यूटीफुल भी वह बहुत है। तो लुका जी है लुका के नाल फ्लड करता रहता रैना का मंगेतर सर्जियस। शी आलसो कीप्स अ स्ट्रेंजर इन हर रूम फॉर लेट नाइट आवर्स एट नाइट। हूँ देखो पिछले क्वेश्चन आपां की पढ़िया सी कि जिहड़ा ब्रुंचली हैगा उहदे कमरे च दाखल हुंदा, अनलॉकड छड़ दिंदी है वो एक विंडो अपनी बालकनी वाली, तो उत्थों ही जिहड़ा ब्रुंचली हैगा भज्जिया होया भगोड़ा सी पाई हुंदा उत्थे आ जांदा। तो एक रात लई देखो उसनू गल्लां मारदी है, तो उस एक रात उसनू अपने कमरे दे विच जिहड़ी हैगी आ देर रात तक उसनू रखदी है। तो मतलब कि वह बोल्ड भी होंगी है, तो इमेच्योर भी होंगी है, बहादुर तो है पर इमेच्योरिटी भी दिखती है भी उन्होंने कोई भी नुकसान हो सकता है। तो शी गिव्स हर फूड बैड हर फादर्स कोट। हूँ देखो उसनू खाना भी दिंदी है, सोने लई बैड भी दिंदी है, नाल ही जिहड़ा अपने पापा का कोट भी दिंदी है। शी टॉक्स विद हिम, उस दे नाल गल्लां बातां भी मारती है, दिखाउंदी है कि मैं बहादुर हाँ, कॉन्फिडेंट हाँ। रोमेंटिक गर्ल, हूँ देखो रोमांस जिहड़ा है कुट कुट के भरिया होया उहदे विच। रैना इज़ अ हाईली रोमेंटिक गर्ल, काफ़ी रोमेंटिक गर्ल है। शी इज़ इन लव विद सर्जियस, सर्जियस दे नाल प्यार च हुंदी है। शी किसिज़ हिज फोटो, उसकी फोटो किस करती है वो, एंड थिंक्स अबाउट हिज ब्रेवरी। क्योंकि उन्होंने इनफोरमेशन मिलती रहती है कि आ किता है सर्जियस ने आ किता है, तो वह उसके बारे सोचती रहती है, उसकी फोटो में प्यार करती रहती है, उसकी बहादुरी के बारे सोचती रहती है। ही इज़ हर हीरो ऑफ वार एंड लव, वह प्यार वाला हीरो भी है, युद्ध वाला, वार का मतलब युद्ध, युद्ध वाला हीरो भी है। शी आलसो लाइक्स टू वॉच ट्विंकलिंग स्टार्स एंड स्नो कवर्ड पीक्स। हूँ देखो बालकनी च खड़ी वह नेचर नू कुदरत नू निहार रही हुंदी है, तो वह तारियां नू ट्विंकल ट्विंकल कर रहे, टिम टिम करते तारे उन्होंने देख रही हुंदी है। स्नो कवर्ड पीक्स मतलब बर्फीलियाँ बर्फ नाल ढकियां चोटियां पहाड़ियों नू भी देख रही हुंदी है। शी लव्स ब्यूटी ऑफ नेचर, कुदरत दी सुंदरता नाल उसनू प्यार है। हर ब्रेन इज फुल ऑफ रोमेंटिक आइडियाज़, अते उहदा दिमाग आप कह सकते हैं कि आइडियाज़ दे नाल, रोमेंटिक आइडियाज़ दे नाल भरिया होया कि मैं आ करांगी मैं आ करांगी, सो यह चीज़ सोच रही है। शी इज़ ईजीली अट्रैक्टिड टूवर्ड्स ब्लूंचली। हूँ देखो ब्लूंचली दे नाल भी ईजीली वह अट्रैक्ट हो जाती है, आकर्षित हो जाती है उहदियां गल्लां तों ही, देखो किन्नी इमेच्योरिटी इत्थे दिखाई गई है उहदी। शी इज़ आलसो अट्रैक्टिड बाय द रोमेंटिक ग्लोरी ऑफ वार, वह जी युद्ध के कारनामे दसदा उस प्रति भी वह बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाती है, बड़े लगाव के नाल उन्होंने सुनती है। पेरेंटल लव, हूँ माता पिता का प्यार। शी इज़ ओनली डॉटर ऑफ मेजर पैटकॉफ, इकलौती डॉटर है मेजर पैटकॉफ की, कैथरीन की, वो मम्मा का नाम कैथरीन है। सो शी इंजॉयज़ अ ग्रूड डील ऑफ लव, तो करके उसनों बहुत ही मात्रा च प्यार मिलता है एंड केयर मिलती है अपने पेरेंट्स तो। हर पेरेंट्स आर रेडी टू गिव हर एनीथिंग दैट शी वॉन्ट्स, वो पेरेंट्स भी उसनों हरेक चीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, देना चाहते हैं जो वह चाहती है। सो हरेक उसके जोड़े है चा मलार पूरे किए जाते, हरेक उसकी नीड डिजायर भी जी है पूरी की जाती है। तो वो माँ बाप क्योंकि इकलौती संतान है तो उसनों बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। कलैवर एंड वाइस, हूँ इतने इन्होंने कहता कि इमेच्योर तो है ठीक है पर कलैवर भी है, कितने कितने थोड़ी थोड़ी चलाक भी है, समझदार भी है। रैना इज़ अ कलैवर एंड वाइस गर्ल, कलैवर वाइस गर्ल है। शी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर फीमेल करैक्टर्स लाइक कैथरीन एंड लुका, कैथरीन लुका तो वह थोड़ी जी जी है अलग है। शी क्विकली अंडरस्टैंड, वह जल्दी ही समझ लेंदी है टॉक्स ऑफ ब्लूंचली, उन्होंने जल्दी ही समझ आता है कि ब्लूंचली जोड़ा है अच्छा इंसान है, बुरा इंसान नहीं है। शी थिंक्स अपॉन दैम, तो वह उस थिंक्स अपॉन हिम, ठीक है तो वह उस बारे सोचती है। शी अंडरस्टैंड रियलिटीज ऑफ लाइफ, वह रियलिटीज ऑफ लाइफ मतलब युद्ध दे लाइफ दे जिंदगी दे असली चीज़ा जड़ियाँ है समझती है। उसनों तो ऐं लगता है भी जिहड़ा असलीयत दे विच मैनूं प्यार करदा वह भी हीरो अते ओही जिहड़ा है युद्ध च गया तो वह जिहड़ा है प्यार का भी हीरो है तो युद्ध का भी हीरो है, भी मेरा तो जिहड़ा हीरो है वह बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। पहला तो उसनों यह थिंकिंग होंदी है जो तक ब्लूंचली उसकी लाइफ च नहीं आया होंदा। ब्रेव एंड करेजियस, रैना जिहड़ी है बहादुर भी है, ब्रेव मतलब बहादुर, करेजियस मतलब हिम्मत वाली भी है। सो रैना इज़ अ ब्रेव एंड करेजियस गर्ल, बहुत हिम्मत वाली बहादुर कुड़ी है। वैन अ स्ट्रेंजर एंटर्स इन हर रूम थ्रू विंडो,
हुण देखो जिहड़ा भी विंडो वो अनलॉकड छड़दी है लॉक नहीं करती तां उसे थ्रू जिहड़ा है स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी जिहड़ा है अंदर आ जांदा है। शी फेसिस द सिचुएशन बोल्डली, वो बड़ी बहादुरी दे नाल बोल्डली हिम्मत दे नाल जिहड़ा है उस स्थिति नूं फेस करदी है, सामना करदी है। शी इज़ नॉट अफ्रेड वैन ही थ्रैट्स हर विद पिस्टल और यू कैन से गन, वह उदों भी नहीं डरती जदों उसनों गन जिहड़ी है दिखा के उहदे सामने गन वह करता है कि मैं तैनूं मार दूंगा जे तैने शोर पाया, तो उसनों खाण नूं उस तों कुछ मंगता है। शी रिप्लाइज हिम ब्रेवली, तो वह उसनों बड़ी बहादुरी दे नाल हरेक चीज़ का जवाब दिंदी है, तो आपां कह सकते हैं कि वह बहुत ही ज़्यादा बहादुर हिम्मत वाली कुड़ी है। कंकलूजन च आपां कह सकते हैं, देखो मैं पॉइंट बनाया तो तुसी भी पॉइंट बना के लिखियो, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेबल लगता है तो जिहड़ा भी पेपर चैक करता उन्हों अच्छी तरह समझ आ जाता है। वैसे तुसी बिना पॉइंट्स तो भी कर सकते हो। सो कंक्लूजन यानी कि नतीजे दे वजो असीं कह सकते वी कैन से दैट राइना इज़ एन इमेच्योर गर्ल, एक इमेच्योर गर्ल है, नादान कुड़ी है, बट शी इज़ क्लैवर एंड ब्रेव, चलाक अते बहादुर कुड़ी है। शी हैज़ विजडम, उस दे विच समझदारी भी है। शी अंडरस्टैंड थिंग्स, वह जिहड़ियां चीज़ां है वह समझ लैंदी है। शी लव्स हर पेरेंट्स, अपने माता पिता नूं बहुत प्यार करती है। शी इज़ नॉट मच ब्यूटीफुल बट अट्रैक्टिव, वो ज़्यादा सोहनी तो नहीं है पर आकर्षक बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेकअप वेयर करती है, अच्छे अच्छे कपड़े पाती है, तो उसकी लुक जिहड़ी है बहुत उभर के बाहर आती है, ठीक है। सो शी लव्स नेचर एंड इंजॉयज इट, वो नेचर नूं प्यार करती है, इसनों इंजॉय इसका आनंद भी माणती है, बालकनी च खड़ी मतलब निहारती रहती है नेचर नूं। ऑल दो जबकि शी इज़ ओनली चाइल्ड ऑफ हर पेरेंट, देखो कली कली संतान है अपने माँ प्यों की, बट शी इज़ रिसपोंसीबल, पर वह रिसपोंसीबल भी अपने माता पिता प्रति, केयरिंग भी है, उन्हों की केयर भी करती है। शी हैज़ मैनी क्वालिटीज़ इन हर करैक्टर, वो क्वालिटीज़ बहुत ही ज़्यादा करैक्टर। सो ए सी अज का वीडियो, होप तो पसंद आया होएगा। मिलते हैं आप नवे वीडियो के नाल, धन्यवाद।